हमजा प्लीज, मेरा यकीन करो, मैं मारिया को ये वापस करने वाली थी। और कितना शर्मिंदा करोगी तुम मुझे सोनिया? मैं हमजा, जानता हूं मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे सका, वो सहूलियात जिनकी तुम आदी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है सोनिया कि तुम मुझे बार बार शर्मिंदा करो और मुझे मेरी ही नजरों में गिराओ। नजरों में तो मैं अपनी खुद गिर गई, क्योंकि आप मेरा एतबार नहीं करते हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूं, तो आप जाके खुद मारिया से पूछ लें, बल्कि ये लो मेरा फोन, उससे खुद बात कर लो। क्या बात करूंगा मैं? यही कि कार्ड और चेकबुक मैंने अपने बैग में नहीं डाली, उसने मेरी गैर मौजूदगी में डाली है। हमजा, अगर मुझे ये सब चाहिए होता तो जब मैं घर छोड़ के आ रही थी, मैं खुद ये सब नहीं ला सकती थी। हमजा प्लीज, मुझे देखें, मैंने आपको अपने पूरे दिल से कबूल किया है। मैंने भी तुम्हें पूरे खुलूस से कबूल किया सोनिया, फिर हमारे दरमियान ये बदगुमानी क्यों है? क्योंकि आप मेरा एतबार नहीं करते हैं। मैं तुम पे एतबार करता हूँ सोनिया, करता हूँ तुम्हारा एतबार। मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। बाकी हमसा ठीक है, मैं मारिया को बुलाती हूँ और उसे कहती हूँ कि आके ही वापस ले जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? सुनिए, मैं नहीं चाहता दोबारा से कोई बदमस्की हो। हम कोरियर कर देंगे ये कार्ड और चेकबुक, उन्हें मिल जाएगा उनका सामान। ठीक है। देखो सोनिया, तुम और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सुकून, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ। मैं इसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। मैं भी हमजा, ये कैसी हैं? अच्छी हैं। किसके लिए? फरहान भाई के लिए? अब आपके अलावा किसी और का ख्याल आता ही नहीं। आज सिद्रा आई थी ना, उसके भाई की मंगनी है, उसे शॉपिंग करनी थी, तो मैं उसके साथ चली गई। वहां पे मुझे ये शर्ट्स दिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ले लूं। ये तो वाकई बहुत अच्छी हैं। वैसे जुगनू, तुम्हारी चॉइस बहुत यूनिक है, और मेरे पास ये कलर्स भी नहीं थे। थैंक यू। और अपने लिए क्या लिया दिखा? अपने लिए? लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों? अगर आप साथ होते, मेरे लिए कुछ पसंद करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जुगनू, मुझे ना कभी कभी तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों, इतनी मुश्किल हूं मैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है आपको शायद मैं पसंद नहीं आई, या आपके ख्यालात में कोई और है। कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम जैसी प्यारी, मोहब्बत करने वाली, इतनी सादा, इतनी मासूम बीवी मिली मुझे। दिल से कह रहे हैं? 100% दिल से कह रहा हूँ, बल्कि दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। फिर तो मैं खुशकिस्मत हुई ना कि मुझे इतना पसंद करने वाला शोहर मिला। खैर, आपने दवाई ली है अपनी? कौन सी दवाई? अरे वो अस्थमा वाली ना आपकी। अरे वो तो सिंपल सी एंटी एलर्जी है। नहीं नहीं नहीं, अब आप मेरे दिल की तसल्ली के लिए रोज दवाई लेंगे। मैं आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। जो हुक्म आपका। थैंक यू। अच्छा, कल सुबह इनमें से कौन सी शर्ट पहनें?
अरे तुमने वो हालत नहीं देखी ना खुरम की जो मैंने देखी है। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, खुरम इस चीज को कोई बीमारी कोई मर्ज समझते ही नहीं है। उठपटांग दवाइयां खाते रहते हैं, फिर जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लग जाते हैं। क्या कुछ नहीं बोला, इतना डांटा है मुझे कि तुम्हें क्या लगता है मैं बीमार हूँ, क्या मसले हैं मेरे साथ, मैं क्या करूँ यार। मैं तो फंस गई ना यार, ना मैं अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ, ना खुरम की फैमिली से बात कर सकती हूँ। क्या मुझे अजरा खाला से बात करनी चाहिए? नहीं, जुगनू ने मुझसे कसम ली है कि मुझे किसी को नहीं बताना है। मगर खुरम तो शादी वाले दिन वलीमे में भी कहीं से बीमार नहीं लग रहा था। पता नहीं कौन सी बात है जो मुझे उलझा रही है। हमजा ये ले आपकी चाय बनाती हूँ मैं। थैंक यू। हमजा बुक्स, इस पंखे की हवा भी नहीं लगती। हल्का है, तेज कर लो। जनाब स्पीड फुल है। और बार बार चाय का नहीं बोला करो, एक तो बजट आउट होता है, ऊपर से ये गर्मी है किचन में। I'm sorry, तुम हुप्पो से कह देती, खुद ना बनाती। क्यों, हुप्पो इंसान नहीं, उनको गर्मी नहीं लगती होगी। अच्छा आप चाय तो पिए। सोनिया मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ ना होने दूं। हमजा सोनिया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे तुम पछता रही हो मुझसे शादी करके। तुमने कहा था तुमने सब कुछ देखा है, तुमने ब्रांड्स देखे हैं, लेकिन अब उन चीजों की वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में नहीं रही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी है और अब तुम। हमजा, यू आर इंसल्टिंग मी। मैंने कुछ नहीं कहा सोनिया, ये सब कुछ तुमने खुद ही कहा है। इसमें मेरी क्या गलती है, मैं अपनी जिंदगी के पुराने दिन निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकती ना। सोनिया मेरी बात, I'm sorry। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे जनाबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई।